त्याचे विरुद्ध जे आपण आपल्याकडे गुन्हे आहेत मुंबई पोलिसांकडे 8 ऑफेन्सेस आहेत. तो देश सोडून निघून गेला, सुरुवातीला हाँगकाँग आणि नंतर आता जेव्हा त्याला आणले तिथून तो सध्या चायनामध्ये होता. वेगवेगळ्या एजन्सीजनी आपल्याला भरपूर मदत केलेली आहे आणि त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे त्याला आज भारतात आणणं शक्य झालेलं आहे. नंतर काही दिवस त्यांनी छोटा राजन गँगमध्ये पण काम केलं पण नंतर त्यांनी स्वतःचा गँग तयार केला आणि त्याचे विरुद्ध जे आपण आपल्याकडे गुन्हे आहेत मुंबई पोलिसांकडे 8 ऑफेन्सेस आहेत आणि 8 ऑफेन्सेसपैकी सध्या 5 केसेस AECला आणि 3 केसेस युनिट 7 क्राईम ब्रँचकडे तपासाधीन आहेत. त्याचे विरुद्ध मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फायरिंग, एक्सटॉर्शन अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. 4 केसेसमध्ये त्याचे विरुद्ध मोका लावण्यात आलेला आहे आणि ते गुन्हे सध्या तपासाधीन आहेत. तो 2005 पर्यंत इथे महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आणि विशेषतः नॉर्थ ईस्ट मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई इथे त्यांनी भरपूर लोकांना विशेषतः राजकीय नेते, बिझनेसमॅन, बॉलिवूड सेलिब्रिटीज आणि बिल्डर्स यांच्याकडून खंडणीचे गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल आहेत. 2 मर्डरचे पण सिरियस गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल आहेत आणि तो शेवटी 2002 मध्ये अटक करण्यात आला होता. 2005 मध्ये तो देश सोडून निघून गेला, सुरुवातीला हाँगकाँग आणि नंतर आता जेव्हा त्याला आणले तिथून तो सध्या चायनामध्ये होता. त्याच्याविरुद्ध जे 8 गुन्हे पेंडिंग आहेत आपल्याकडे त्याच्यामध्ये 6 गुन्ह्यामध्ये ट्रायल ऑलरेडी चालू आहे. 1 गुन्ह्यामध्ये त्याचे 7 सहकारी जे आहेत त्यांना शिक्षा झालेली आहे आणि तो फरार आहे त्या गुन्ह्यामध्ये. शेवटचा गुन्हा त्यांनी 2023 मध्ये केला, जे त्यांच्या पूर्वीच्या गुन्ह्याच्या फिर्यादी आहे त्याला त्यांनी धमकीचा फोन केला होता एप्रिलमध्ये. तो शेवटचा गुन्हा एप्रिल 2023 मध्ये विक्रोळी पोलीस स्टेशनला दाखल झाला आणि तो गुन्हा पण AECकडे सध्या तपासाधीन आहे. आज सकाळी जेव्हा त्याला आणले चायनामधून त्याला सकाळी अरेस्ट करण्यात आलेला आहे आणि त्यांना त्यानंतर मान्य कोर्टाच्या समोर उपस्थित केला तर मान्य कोर्टाने त्याला 14 दिवसाची PCR दिलेली आहे. इथे आणल्यानंतर त्याला सकाळी AECच्या गुन्हा क्रमांक 230/19 ऑरिजिनली जो विक्रोळी पोलीस स्टेशनला 509/19 2019 म्हणून दाखल झाला होता या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आलेली आहे. गुन्हा सध्या AECकडे ACP D स्पेशल तपास करता आहेत त्याची. हा गुन्हा जो आहे त्याच्यामध्ये एक राजकीय नेते जे बिझनेसमॅन आणि बिल्डर पण आहेत त्यांचे विरुद्ध त्यांनी फायरिंग कॉन्स्पिरेसी करून त्यांच्या माणसांनी त्यांच्यावर फायरिंग केली होती 19 डिसेंबर 2019 आणि त्यामध्ये तेव्हा एक आरोपी वेळेवर स्पॉटवर अटक झाला. नंतर ते सगळ्या तपासामध्ये आणखी पण बरेचसे आरोपी अटक झाले, याची आई पण त्या केसमध्ये अटक झालेली आहे पण तो तेव्हापासून फरार होता. आणि यामध्ये हा जो आपला प्रयास आहे ज्या प्रयासामुळे त्याला आज आणणं शक्य झालेलं आहे, वेगवेगळ्या एजन्सीजनी आपल्याला भरपूर मदत केलेली आहे आणि त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे त्याला आज भारतात आणणं शक्य झालेलं आहे आणि त्याला आता जे त्यांनी गुन्हे केलेले आहेत ते त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रॉसिक्युशन त्याला फेस करावी लागणार आहे. या ऑपरेशनमध्ये क्राईम ब्रँचची जी टीम आहे ते मागील 10 महिन्यापासून ते त्यांनी भरपूर प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांनी अतिशय गोपनीय पद्धतीने काम केली आणि त्यांची चांगली कामगिरीमुळेच सदर कारवाई यशस्वी झालेली आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदी में बोलता हूं मैं अभी. प्रसाद पुजारी उर्फ सुभाष विठ्ठल पुजारी, एज 44 इयर्स,
त्याला आज उसको आज सुबह चाइना से डिपोर्ट करके भारत में लाया गया है। आज सुबह उस आरोपी को सुबह एईसी के केस में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको माननीय कोर्ट के सामने उपस्थित किया गया। माननीय कोर्ट ने आरोपी सुभाष प्रसाद पुजारी को 14 दिन की पीसीआर दी है। जो आरोपी है वो ओरिजिनली उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार बहुत दिनों से वाशी, नवी मुंबई और विक्रोली एरिया बॉम्बे में रहता था। लेट 90s में उसने कुमार पिल्लई गैंग के लिए काम करना शुरू किया। काफी दिनों तक वो उसने उस गैंग के लिए काम किया। बाद में कुछ दिनों तक वो छोटा राजन के गैंग में भी शामिल था और उसके बाद उसने अपना गैंग बनाया और काफी सारे उसने सीरियस गुने मुंबई की हद में किए। जो उसने गुने किए हैं उसमें से 8 गुने में अभी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या तो चालू है या उनमें ट्रायल चालू है। इन 8 गुने में से 5 गुने एंटी एक्सटॉर्शन सेल और बाकी 3 यूनिट 7 क्राइम ब्रांच के पास तपास के लिए हैं। आरोपी प्रसाद पुजारी ने इसके ऊपर 2 मर्डर के केस, फायरिंग, एक्सटॉर्शन और बाकी जो सीरियस गुने हैं वो इसके खिलाफ दाखिल हैं। 4 केसेस में उसके खिलाफ जो गुने दाखिल हैं उनमें एमसीओसी एक्ट लगाया गया है। रेड नोटिस उसके खिलाफ 2012 में क्राइम ब्रांच ने इश्यू किया था, तो वो रेड नोटिस भी अभी तक फोर्स में था। 2005 में वो देश छोड़ के बाहर चला गया। तब से वो बाहर रह के जो बाकी राजकीय नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और बिल्डर्स, इनको वो धमकियां खंडनी के लिए, धमकियां एक्सटॉर्शन के लिए धमकी के फोन देता था। अगर सामने वाले ने नहीं सुना तो अपने लोगों को भेज के उन पे फायरिंग करवाने के भी इंसिडेंट्स पिछले काफी सालों में रजिस्टर उसके खिलाफ हुए हैं। अभी जो केसेस उसके खिलाफ तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है जिन केसेस में, उन केसेस में 6 गुने जो हैं वो ट्रायल पे चालू हैं। 1 गुने में उसके साथीदार जो लोग हैं उनको कन्विक्शन हो गया है, अभी ये उसमें वांटेड अक्यूज था। और जो आखिरी का गुना उसके खिलाफ दाखिल है 40/2023 एंटी एक्सटॉर्शन सेल, उसमें अप्रैल में 2023 में उसने जो उसके पुराने गुनों में फिरियादी पक्ष है उसको फोन करके धमकी दी थी कि आप अपने केसेस वापिस लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज जो उसको अरेस्ट किया गया है वो एंटी एक्सटॉर्शन सेल के 230/19 जो कि ओरिजिनली विक्रोली पुलिस स्टेशन में 509/19 के तौर पे दाखिल है, उसमें अरेस्ट किया गया है। इस केस में दिसंबर 2019 में विक्रोली एरिया में रहने वाले एक राजकीय नेता और बिजनेसमैन, जो कि राजकीय नेता और बिजनेसमैन दोनों हैं, उसके ऊपर इसके साथीदार लोगों ने फायरिंग की थी, तो उस केस में 307, 452 बाकी सेक्शंस और साथ में एमसीओसी एक्ट लगाया गया है। उस केस में 10 अक्यूज ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। अरेस्ट किए हुए अक्यूज में इनकी आरोपी की मां भी शामिल है। उस गुने का इन्वेस्टिगेशन अभी एसीपी डी ईस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये ऑपरेशन था इसमें पिछले 10 महीने से ये चालू था, उसमें क्राइम ब्रांच के बहुत सारे अधिकारी जो कि हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हैं और खड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी पीछे, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही गोपनीय रूप से जो भी बाकी एजेंसीज हमारे साथ थी उनके साथ मिलजुल के काम करके हम उस आरोपी को, प्रसाद पुजारी को, आज भारत में लाने में सफल हुए हैं। उसने जो भी गुने किए हैं उसके लिए अब उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा या कोर्ट में चार्जशीट्स हैं वो सब फेस करनी पड़ेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या एक मिनट, अगर मराठी हिंदी काफी है तो अगर किसी इंग्लिश किसी का रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी एक बार बोल के फिर प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ कि मराठी और हिंदी ठीक है। नहीं चाहिए तो फिर मैं उत्तर प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। इंग्लिश एक मिनट, आप आपस में डिसाइड करके मुझे बता देंगे कि इंग्लिश चाहिए नहीं तो। टुडे क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस हैज बीन सक्सेसफुल
टू ब्रिंग एक्यूज्ड प्रसाद पुजारी, एक्यूज्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी एलियास सुभाष विट्ठल पुजारी 44 ईयर